नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जी वर्ग की फसल के बारे में जिसको आप सही समय पर लगाते हो, सही तरीके से ग्रो करते हो, सही वैरायटी का चुनाव करते हो और सही तरीके से खेत की तैयारी करते हो तो आगे आने वाले समय के अंदर आप 8 से 10 हज़ार रुपये की प्रतिदिन इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फसल की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पर समय। यानी किसी भी सब्जी की खेती हम सही समय पर करते हैं तो पैदावार भी सही मिलती है और साथ में जो उसका रेट होता है वो भी यहाँ पर सही मिलता है। और अगर हमें किसी भी सब्जी वर्ग की खेती का यहाँ पर रेट अच्छा मिल जाता है तो हमारी यहाँ पर अच्छी खासी इनकम होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसान को नुकसान होता है वो होता है भैया रेट की वजह से। तो आज मैं जिस फसल की यहाँ पर बात करने वाला हूँ उसको आप मेरे कहे अनुसार मेरे तरीके से सही समय पर लगाते हो, सही तरीके से देखभाल करते हो, सही वैरायटी का चुनाव करते हो तो गारंटी के साथ आप आने वाले समय के अंदर 8 से 10 हज़ार रुपये की प्रतिदिन इनकम यहाँ पर कर सकते हो। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सके। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गाजर की उन्नत सफल खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे गाजर की खेती करने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है। तो देखिए, आप गाजर की खेती यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सही समय जो माना जाता है वो आप 15 अगस्त के बाद इसकी आपको खेती कर देनी है। क्योंकि देखिए, अगैती खेती में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन सबसे बढ़िया जो रेट आपको मिलता है वो मिलता है किसी भी फसल की अगैती खेती करने में। तो आपको क्या करना, 15 अगस्त के तुरंत बाद यहाँ पर आपको गाजर की खेती कर देनी है। तो उसके लिए देखिए, अगर थोड़ी सी हम यहाँ पर ज़मीन की अगर बात कर लें तो आप गाजर की खेती काली मिट्टी, दोन मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इन प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी में आप इसकी खेती नहीं कर सकते। चिकनी मिट्टी टाइट होती है, इस वजह से होता है क्या है, गाजर प्रॉपर यहाँ पर लंबी नहीं बन पाती और हमें फिर आगे चल के इससे नुकसान यहाँ पर हो सकता। तो इसलिए अगर आप खेत का चुनाव करें तो आप ध्यान रखें, अगर आपके खेत रेतीला है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी जो खेती होती है वो रेतीली भूमि के अंदर सबसे बेस्ट यहाँ पर मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको खेत का चुनाव कर लें। और उसके बाद में अगर थोड़ी सी वैरायटी के ऊपर बात करें तो आप आरके सीड्स या सेंग्रो सीड्स दोनों में से किसी को भी ला सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। मेरे हिसाब से सेंग्रो सीड जो आता है गाजर का वो सबसे बेस्ट है, उसका आप चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप भैया, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, आप जितनी बढ़िया वैरायटी का चुनाव करेंगे आगे आने वाले समय के अंदर आपको बढ़िया क्वालिटी का माल और बढ़िया पैदावार देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, माल की जो उत्पादन क्षमता वो क्वालिटी निर्भर करती है, वो करती है वैरायटी के ऊपर। अगर आप सही वैरायटी का चुनाव करते हो तो आपका माल बेहतरीन भी होगा और पैदावार भी अच्छी होगी, और जब आपकी पैदावार माल बेहतरीन होगा तो आपका मंडी में 1-2 रुपये किलो महंगा भी यहाँ पर बिक सकता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना। उसके बाद में आपको क्या करना, बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको खेत की जुताई कर लेनी है। खेत की जुताई करने के बाद आपको क्या करना, प्रॉपर अगर आपके पास देसी खाद है डाल दें, और नहीं है तो आप यहाँ पर DAP या क्लोरो का यूज़ भी कर सकते हैं। चाहे तो आप DAP डाल सकते हैं, चाहे तो आप NPK 12-32-16 के साथ में क्लोरो का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, क्लोरो का यूज़ आपको इसलिए करना है, जब हमारे गाजर के अंदर अंकुरण होता है तो बहुत सारे हानिकारक कीट्स ऐसे होते हैं वो हमारी फसल को यहाँ पर ख़राब कर देते हैं, खा लेते हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं क्लोरो को डाल देते हैं तो ज़मीन में हानिकारक जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं, साथ में अंकुरण के समय जो समस्या आती है वो यहाँ पर नहीं आती। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपको यहाँ पर क्या है, गूलें निकलवा देनी है। अब आपको गूलों की दूरी रखनी है, वो मैं आपको बता दूँ, कल लगभग आपको 1 से 1.5 फीट की यहाँ पर गूल निकालनी है। उसके ऊपर आपको प्रॉपर हाथ से जो गायर का बीज यहाँ पर बखेर देना, यानी प्रॉपर आपके मैं ये आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको 1.5 फीट की आप गूल निकाल सकते हैं, यानी चौड़ी लगभग। उस पर आपको करना, हाथ से बीज छिड़क कर यहाँ पर बखेर देना और प्रॉपर हाथ से उसको इस तरीके से मिला देना। मिलाने के बाद देखिए, आपको खरबारी की समस्या का सामना ना करना पड़े और लेबर के द्वारा आपका खर्च ना हो, इसलिए आपको करना है जो पेंडा मेथिलीन आती है यहाँ पर घर खरबार की दवाई, उसका आपको छिड़काव कर देना। उसका छिड़काव इसलिए कर देना है क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर हमें लेबर की समस्या का सामना ना करना पड़े, उसमें घास ना हो गए, खरबार ना हो गए, तो इसलिए हमें क्या करना है, पेंडा मेथिलीन का यहाँ पर स्प्रे कर देना है। तो किसान भाई, इस तरीके से आप खेती करते हैं, सही वैरायटी का चुनाव करते हैं, खेती की तैयारी ठीक ढंग से करते हैं और दवाइयों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में जैसे कि हम अगैती खेती करते हैं तो गाजर की खेती में समस्या क्या आती है, फंगस की, यानी गाजर या तो हमारी उमसने लगती है या फिर जो पेड़ होते हैं वो सड़ने लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना, शुरुआत में यहाँ पर फंगिसाइड डाल देना बढ़िया कंपनी का। इसलिए आप क्या करना, आपको जलोरा यहाँ पर 1 ml/L पानी के हिसाब से
साथ में आपको यहाँ पर रोको थायोपड़ मिथाइल जो होता है 70% WB में, वो यहाँ पर आपको 1.5 ग्राम पर लीटर दोनों को मिलाकर यहाँ पर स्प्रे कर देना है, तो स्टार्टिंग में समस्या आती है वो आपकी यहाँ पर नहीं आएगी और आप गाय की खेती से अच्छी खासी इनकम यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसान भाई, आपको खेती जो है इस तरीके से करनी है, देखभाल सही तरीके से करनी है, सही चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप